वेलकम स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 1 द सॉलिड स्टेट के आगे के पोर्शन को देखेंगे। आगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। सबसे पहले हम लोग क्रिस्टल लैटिस के बारे में देखेंगे। द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न। इफ इन 3D अरेंजमेंट ईच पार्टिकल इज डिपिक्टेड एज पॉइंट, देन द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न शो करते हैं। अगर 3D अरेंजमेंट में, मतलब 3D स्पेस में, अगर ईच पार्टिकल को एक पॉइंट की तरह कंसिडर करें तो उन पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उन पॉइंट्स का जो 3D अरेंजमेंट होगा रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न के बेसिस में, उसी को हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। वो पॉइंट्स कुछ भी हो सकते, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है। एज अ कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3D लैटिसेस कॉल्ड ब्रॉबस लैटिस। जो हम लोग क्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टल लैटिसेस जो फॉर्म करते हैं एक 3D अरेंजमेंट, एक 3D स्पेस में जितने क्रिस्टल लैटिसेस का फॉर्मेशन हो सकता है वो सिर्फ 14 ही हैं। उन 14 क्रिस्टल लैटिसेस को ऑल टुगेदर ब्रॉबस लैटिस कहा जाता है। Characteristics of crystal lattice. Each point in a lattice is called lattice point or lattice site. एक lattice crystal में एक एक point, हर एक point जो constitute करता है crystal lattice, उसको हम लोग lattice site या फिर lattice point कहते हैं। Each point in a crystal lattice represent one constituent particle which may be atom, molecule or ion. हर point एक crystal lattice में एक atom, एक molecule या फिर एक ion, इन तीनों में से किसी एक को ही represent कर रहा होता है। Lattices points are joined by straight lines to bring out geometry of the lattice. जैसे कि हम लोग को पता है crystalline solid जो होता है वह proper geometry show करता है। उसका वजह यही है कि lattice points जो होते हैं वो एक geometry, lattice point जो होते हैं वो एक proper geometry में arranged होते हैं। हम लोग lattice point को diagram को देखते हैं। अब हम लोग यूनिट सेल के बारे में देखेंगे। यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट्स अ एंटायर लैटिस। एक क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, जिससे मिलकर, जिससे रिपीटिंग पैटर्न को देख, जिस जो रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होकर एक क्रिस्टल लैटिस बनता है। देखिए, सबसे छोटा होता है यूनिट सेल। यूनिट सेल जो होता है, यूनिट सेल, बहुत सारे यूनिट सेल रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होकर एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। फिर क्रिस्टल लैटिस, बहुत सारे क्रिस्टल लैटिस मिलकर रिपीटिंग पैटर्न में एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। द डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस ए बी सी, दीज 3 एजेस मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक यूनिट सेल में 3 एजेस होते हैं ए बी सी, वो आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी। इन तीनों एजेस के बीच के एंगल अल्फा, बीटा, गामा होते हैं। थस द यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर उन्हें कैरेक्टराइज किया जाता है, दैट इज ए बी सी जिन्हें हम लोग एजेस कहते हैं, और अल्फा, बीटा, गामा जिन्हें हम लोग एंगल बिटवीन द एजेस कहते हैं। यूनिट सेल दो तरह का होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, वेन कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर पोजिशन ऑफ यूनिट सेल इट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। जब एक यूनिट सेल में जितने कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे वो जब सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे तो उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद है सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट पोजिशन अदर देन द कॉर्नर्स इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स। सेंटर्ड यूनिट सेल में होता है कि एक यूनिट सेल में जब कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कॉर्नर में तो प्रेजेंट होते ही हैं, उसके साथ साथ और भी कई जगह अगर प्रेजेंट हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स तो फिर उसे सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है वो 3 तरह का होता है। सेंटर्ड यूनिट सेल के टाइप्स देखने से पहले हम लोग यूनिट सेल को एक डायग्राम में देखते हैं।
आगे हम लोग पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल जो होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सच अ यूनिट सेल विच कंटेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड द वंस दैट आर एट इट्स कॉर्नर। ऐसा यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पे तो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट होते ही हैं, साथ साथ उसके बॉडी पे भी, उसके बॉडी के सेंटर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा, बस उसे हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। हम लोग डायग्राम में देखते हैं। फिर आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सच अ यूनिट सेल दैट कंटेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस बिसाइड द वंस दैट आर एट इट्स कॉर्नर। इसमें, इस यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल को हम लोग हर डायग्राम में एक क्यूब क्यूब की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट हैं ही, साथ ही साथ हर फेस के बीचों बीच भी एक पार्टिकल प्रेजेंट है, उसे हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। लास्ट में है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हेन सच अ यूनिट सेल वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस बिसाइड द वंस प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर। ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर पे तो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ही, साथ साथ दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा, उसे हम लोग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स के साथ साथ अगर पार्टिकल्स जो थे वो दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे होंगे, दो एडजेसेंट फेसेस के सेंटर पे नहीं बल्कि दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे होंगे। हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं।